अब ये कहता है इक्वेशन ऑफ टू वेव्स एक्टिंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डायरेक्शन बोल सकते हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस के अलोंग दो वेव्स है, एक्स इज इक्वल टू ए, यहां पर दिया हुआ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस डेल, ये दिया हुआ डेल की वैल्यू दी हुई है अल्फा प्लस पाई बाई टू, तो अल्फा प्लस पाई बाई टू ये लिख सकता हूँ कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा प्लस पाई बाई टू। अब आपको याद होगा कि कॉस थीटा प्लस पाई बाई टू क्या होगा, कॉस थीटा पाई बाई टू माइनस ए साइन, माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, दिस इज द इक्वेशन एक्स, थोड़ा ढंग से लिख लिए। और y एक्सिस के लॉन्ग जो वेव है वो ये है, तो y इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा के इक्वल है, इन दोनों का सुपर इम्पोजिशन हुआ, ये दो वेव है जो सुपर इम्पोजन, द रिजल्टिंग वेव जो रिजल्टिंग वेव है, द रिजल्टिंग वेव वो उसका इक्वेशन किस टाइप, पैराबोला होगा, इलिप्स होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा। तो अब देखो इस टाइप के जो है निकालने के लिए ये सर्कल इलिप्स स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट्स को रिलेट कर दो, तो एक्स एंड वाई को रिलेट कर दूँ, कैसे रिलेट कर दूँ भैया, जबरदस्ती तो करोगे नहीं, स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दो, स्क्वायरिंग एंड एडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो वन मिल जाएगा ए स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो जो नई वेव है उस वो जो है इक्वेशन ऑफ टू वेव परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सुपर इम्पोज हुए, तो नई वेव का जो इक्वेशन है वो एक सर्कल है, डी ऑप्शन सही है।